देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद से है, जहां विधानसभा 2022 का चुनाव अपने पूरे सबाब पर है। वहीं जनपद चंदौली में आज से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जनपदीय महकमा इसके लिए सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर लिया है। कलेक्ट्रेट नामांकन स्थल पर इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल समेत कोविड गाइडलाइन से संबंधित सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। चारों ओर विधानसभा क्षेत्र के नामांकन के लिए अलग अलग कक्ष में पर्चा दाखिला करने की व्यवस्था की गई है। नामांकन सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेटिंग व पर्याप्त पुलिस बल का पुख्ता इंतजाम किया गया है। बता दें, नामांकन कार्य 17 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 18 फरवरी को स्क्रूटनी, 21 फरवरी को नाम की वापसी तिथि निर्धारित है। वहीं 7 मार्च को वोटिंग और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। चारों विधानसभाओं के लिए अलग अलग आरओ व एआरओ को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर नामांकन कक्ष को चारों तरफ से लोहे की जाली से घेर दिया गया। वहीं मुख्य गेट के साथ कुछ 5 स्थानों पर बांस की बल्ली लगाकर बैरिकेटिंग की गई है। बता दें कि समर्थकों की भीड़ को मेन गेट पर ही रोका जाएगा और कलेक्ट्रेट स्थित गेट पर बकायदे मेटल डिटेक्टर से लैस एएलआईयू विभाग के कर्मी के साथ पुलिस बल मुस्तैद रहेगी। नामांकन कक्ष में आवेदक समेत 3 लोगों को अंदर जाने की अनुमति होगी। गेट के पास ही बिना बैठने की व्यवस्था के साथ मीडिया सेंटर की व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया के प्रथम दिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। का नामांकन शुरू हुए, व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए? जनपद चंदौली में उत्तर प्रदेश सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 7वें चरण में मतदान होना है, जिसकी आज नामांकन प्रक्रिया 10 फरवरी से प्रारंभ हो गई है। नामांकन जो हमारी चारों विधानसभाएं हैं उसके जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहाँ पर न्यायालय कोर्टों में किया जा रहा है। सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा गया है। एक आवेदक के साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं? एक आवेदक के साथ एक प्रस्तावक और एक अन्य व्यक्ति, कुल मिला के 3 व्यक्ति ही आ जा सकते हैं। जो पार्किंग है, जो भी लोग आएंगे उनके लिए बाहर की गई है, और जो आयोग द्वारा निर्धारित संख्या है उसके अनुसार ही लोग जाएंगे।